एसबीआई बैंक के जोनल कार्यालय के समीप पटना के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एसबीआई सर्विस पर सवाल उठाया है। एसबीआई बैंक पर उन्होंने आरोप लगाया कि जोनल कार्यालय के द्वारा बुजुर्ग महिला का शोषण किया जाता है। वहीं उन्होंने पत्राचार और मेल के माध्यम से एसबीआई के जोनल अधिकारियों को इस पूरी समस्या से अवगत कराया, लेकिन जनरल कार्यालय की तरफ से जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा गया। उनका कहना है कि कार्यालय के हर डिपार्टमेंट के लोग नियम नहीं मनमानी ढंग से कार्य करते हैं। वहीं जनरल कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों की कार्यशैली की जाँच की जाए, जिसको लेकर पटना से आए एक बुजुर्ग ने जोनल कार्यालय के समीप आमरण अनशन देकर जोनल कार्यालय के अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। सर, यहाँ पूरे बिहार में खासकर के पोस्ट ऑफिस में, आपके भागलपुर जिले में, भागलपुर जोन में, जनरल कार्यालय में कोई भी आप डाक से चिट्ठी डालो, मेल से चिट्ठी डालो, ये समस्या है। ये चिट्ठी का जवाब तक देना उचित नहीं समझते। एक मेरे लगभग 1.5 साल से यहाँ चिट्ठी पड़ा हुआ है। 1.5 साल में कम से कम 6-7 चिट्ठियाँ मैंने डाली है। हाँ, जब आगे बोलता हूँ तो कौन सी चिट्ठी कब डाली है देखना पड़ेगा, वहाँ से आया कि नहीं देखना पड़ेगा, बोल के टालते रहते हैं। आपके पूरे इसमें, इनके जोन में, ग्राहक सेवा केंद्र में KYC के लिए 20-20 दिन तक लोगों को दौड़ना पड़ता है। लोग का खाता वहाँ खुल जाता है, उसके बाद अगर 7 दिन बाद कोई पैसा भेजे, उसके घर वाले गरीब हैं तो ये पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि KYC नहीं हुई। और ये पूरे भागलपुर जिले की, पूरे भागलपुर जोन की हालत है। क्या चाहते हैं आप? बस मैं चाहता हूँ कि इसमें सुधार हो और जो भी कर्मी है उनके कार्य के तरीके की जाँच हो। आज क्या कर रहे हैं? आज से मैं इसी विषय पर आमरण अनशन कर रहा हूँ, तब तक के लिए जब तक कि ये सुधार का पूर्ण रूपेण मुझे लिखित वादा और पूरी कार्रवाई का, जो दोषी है चिट्ठी नहीं देने के, कार्रवाई का उस पर नहीं होती, तब तक के लिए मैं आमरण अनशन करूँगा, चाहे जितने दिन लगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र। SBI से संबंध? जी हाँ, SBI से। क्या संबंध है? क्या संबंध है किस पर? SBI से मेरा, मैं बस ये हूँ, एक आम नागरिक हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है। बच्चे के जन्म लेने के कुछ दिन बाद जहां सर पर से मां का साया उठ गया, वहीं अब पिता सुनील कुमार बच्चे को अपने साथ रखना नहीं चाहते। वहीं बच्चे के मामा शिवजी कुमार का कहना है कि मायागंज अस्पताल में ही कुछ दिन पहले मेरी बहन सुलेखा ने इस बच्चे को जन्म दिया। वहीं बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद मेरी बहन की मौत हो गई। अब यह बच्चा भी बीमार हो चला है, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाया गया। हालांकि बच्चे के पिता सुनील कुमार बच्चे का इलाज करवाना नहीं चाहते, पर मामा शिवजी कुमार का कहना है कि मैं इस बच्चे का इलाज करवाऊंगा और इसे अपने साथ रखूंगा। हालांकि पिता पर मामा ने यह भी आरोप लगाया कि बच्चा जब नहीं रहेगा तो वो दूसरी शादी कर लेगा, इसलिए बच्चे का इलाज करवाना नहीं चाहता, पर मैं इस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं और इसका इलाज भी करवा लूंगा, इलाज में जो भी खर्च होगा वो करूंगा। क्या घटना घटी है? बच्चे का माँ का ऑपरेशन मायागंज में हुआ था। मायागंज में ऑपरेशन का बच्चा के साथ छुट्टी दे दिया था। छुट्टी देने के बाद 15 दिन के बाद माँ गुजर गए। गुजरने के बाद 10 दिन के बाद बच्चा बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद बोलता है कि पिताजी कि हम इलाज नहीं करवा सकेंगे। बच्चे का पिताजी 50,000 रुपये खर्च बताया। 50,000 हम भी खर्चा करने में हम भी तैयार थे कि साथ में हम भी कर देंगे। वो बोला हम इलाज नहीं कर सकेंगे। ये बच्चे के पिताजी बोले? बच्चे के पिताजी बोले। बच्चे की माँ के देहांत के बाद उसका इलाज चल रहा था बच्चे का? बच्चे का माँ के देहांत की उम्र खत्म होने के बाद 10 दिन के बाद बच्चे बीमार पड़ गया कोई कारण से। बच्चे ठीक था और बच्चे के पिताजी बोला हम इलाज नहीं करा पाएंगे। बच्चा के कौन लगते हैं? बच्चा का मामा लगते हैं। आपका जमाई अभी क्या कह रहा है और कहाँ चले गया वो? वो हॉस्पिटल मायागंज हम जबरदस्ती लेकर आए, उनसे बोल करके कि इलाज चले, इस घर में बच्चा खत्म हो जाएगा, सब मायागंज में देखते हैं, उसके नसीब भाग में जो होगा बचने का होगा। जमाई छोड़ के भाग गया? हॉस्पिटल से जम छोड़ के भाग गया। क्या कह रहा है अभी जमाई? घर में है। बच्चा को नहीं रखने के लिए तैयार है क्या? अब ये चीज़ नहीं बता सकते, बच्चा के रखने के लिए वो सोचता है कि बच्चा मर जाए जी कि दूसरा शादी हम कर लें। अभी बच्चा के ध्यान के बाद वो चाहता है दूसरा शादी कर लें, कोई हिस्सा लेने वाला रहेगा नहीं। उसको और भी बच्चा है? दो बेटी है। अच्छा, दो बेटी है, एक बेटा हुआ था, उसका बेटा। अभी बच्चा का देख रेख कौन कर रहा है? हम मामा जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बच्चा को कौन रखेगा? आप लोग रखना चाह रहे हैं? आप लोग रखिएगा। हाँ, रखिएगा।
अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर जिले के बोझाइतपुर थाना से बिसारी पूजा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। रैपिड एक्शन फोर्स डीएसपी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च बोझाइतपुर थाना से लेकर जरलाही होते हुए गोरट्ठा चौक होते हुए वापस बोझाइतपुर थाना पहुंची। थाना अंतर्गत निकाला गया है और ये आरएफ का ये एक रेगुलर अभियान होता है कि हम जहाँ कहीं जाते हैं तो फ्लैग मार्च करते हैं। मकसद होता है कि जनता के बीच एक विश्वास स्थापित करना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, उन्हें ये बताना कि आप सिक्योर हैं। आरएफ जहाँ जहाँ जाती है वहाँ शांति स्थापित करती है जब भी जरूरत पड़े तो। इसमें जो सर मतलब जो पूरा एकदम जो बिसाड़ी पूजा लेके ही फ्लैग मार्च निकाला गया है, ये फ्लैग मार्च ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता पाएंगे। हमारा काम होता है फ्लैग मार्च करना। अच्छा। हम ये बताना और दिखाना चाहते हैं, जैसा मैंने गुरु में कहा आपको, कि शांति स्थापित करना, लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस स्थापित करना, ये हमारा उद्देश्य है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राजकीय बाबा भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण हॉस्टल में पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण जहां छात्र जल कैदी बन गए हैं वहीं हॉस्टल के कर्मचारियों के कमरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण ईंट पर चौकी लगाकर किसी तरीके से रहने को मजबूर है। वहीं जानवरों को भी चौकी पर चढ़ा दिया गया है। 3 दिनों के बारिश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं हॉस्टल में पानी प्रवेश हो जाने के बावजूद भी ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है और छात्र छात्राओं के साथ साथ कर्मचारी और परिवार वाले भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। समस्या तो 3 दिन से लगातार चल रही है और पानी बढ़ रहा है पूरा, मतलब जितना सारा पर्वतीय का मतलब पानी सब आता है, सब यही हॉस्टल में आके जमा हो जाता है, जिसके कारण से हम लोग को दिक्कत हो रहा है। 6-7 हॉस्टल प्रभावित है, इस एरिया का सारा हॉस्टल जितना है सभी प्रभावित है। पानी से आने आने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा क्लास नहीं जा पा रहे हैं सही से, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है। हम लोग कल गए थे यूनिवर्सिटी, बीसी महोदय को बोले, बोला ठीक है पानी मतलब खींचा जाएगा, जनरेटर से पानी जा रहा है, ये कब तक खींचाएगा पता नहीं। 3 दिन से रूम सब में पानी घुसा हुआ है और भयानक, सब सांप निकल रहा है, भैंसवा जोक निकल रहा है, हम लोग को निकास पेशाब बहुत दिक्कत हो रहा है। रात सो पाते हैं? नहीं सो पाते, रात भर जा करके सुबह करते हैं हम लोग, बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी का बहुत गंदा पानी नल से निकल रहा है, टंकी बोरिंग सब डूबा हुआ है, पूरा डूब चुका है, पानी कहाँ से पिएंगे। भागलपुर में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि अपराधी अपराध को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चाहे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो या अपराधी अपना वर्चस्व बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल चोरी हो या बाइक चोरी, ऐसी बड़ी छोटी घटनाएं शहर में अक्सर घटती रहती है। वहीं पुलिस भी कई मामलों का उद्भेदन लगभग 24-48 घंटों में कर दी है। भागलपुर जिले में अब तक 44 थाने हैं, लेकिन अब 3 TOP थाना पुलिस कप्तान आनंद कुमार के द्वारा चालू किया जा रहा है। लगभग 10 दिनों के भीतर 3 TOP थाना का कार्य चालू हो जाएगा। भागलपुर पुलिस की पहल से शहरी इलाके में 3 TOP थाना की शुरुआत होने जा रही है। अपराध नियंत्रण को लेकर यह 3 TOP थाना शहर के रिहायशी इलाके में शुरू होंगे। पहला TOP शहर के मुख्य बाजार स्थित सूजागंज इलाके में होगा, जबकि दूसरा चंपा नगर और तीसरा भीकनपुर इलाके में होगा। शहर में जब ये 3 TOP थाना की शुरुआत होगी तो इलाकों के लोगों को अपनी समस्या लेकर नजदीकी थाने में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग वहां जाकर अपनी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इन TOP के माध्यम से तीनों इलाके की पुलिस की बंदोबस्ती दुरुस्त हो जाएगी। 3 TOP थाने की अगर बात करें तो पूरा इलाका अपने अपने क्षेत्राधिकार में रहेगा। प्रत्येक TOP में इंस्पेक्टर या दरोगा रैंक के पदाधिकारी के अलावे 5 पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 112 इमरजेंसी पुलिस बल का भी सहयोग रहेगा।
एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शहर के अलग अलग जगहों पर अपराध नियंत्रण के लिए टीओपी थाने बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये इलाके संवेदनशील हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए इसकी शुरुआत की जा रही है। वहीं इन तीन इलाकों में लगातार आपराधिक गतिविधियों को भी देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तीनों टीओपी निर्माण को लेकर जमीन देख ली गई है, संभवतः एक से दो हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए, शहर में तीन टीओपी है, चंपानगर, बिलखनपुर और सूजागंज। यहाँ पे हम लोग अगले एक दो सप्ताह के भीतर बलों का पदस्थापन करके उसको चालू किया जाएगा, जिससे कि उस जहाँ पर यह टीओपी अवस्थित है उसके आसपास के इलाकों में गश्ती होगी और इसके साथ ही साथ वहाँ पर होने वाली अपराध घटनाओं पर भी हम लोग नियंत्रण पा सकें। भागलपुर की बूढ़ानाथ स्थित एक विवाह भवन में भाजपा के द्वारा आयुष्मान कार्ड सूचीबद्ध लाभार्थी का पंजीकरण व कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी के बिहार सह प्रभारी सुनील ओझा और भागलपुर की जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सहित बीजेपी नेता बंटी यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 21 के बीपीएल परिवार के लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वार्ड 21 के पार्षद सह जदयू के प्रदेश कन्वेनर संजय सिन्हा भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनको भी सम्मानित किया गया। वहीं इस मसले पर ना तो बीजेपी के नेता कुछ बोलने को तैयार हुए, ना ही जदयू के प्रदेश कन्वेनर कुछ बताने को तैयार हुए। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले ये देश में कोई भी गरीब, कोई भी कम आय वाला परिवार कैंसर, हार्ट, जलने की, ब्रेन की, आंखों की कोई भी बीमारी में, कोई भी इंजरी में सारवार ना ले सके, इतने बड़े खर्च को भी बीपीएल लोग जिसकी इनकम निश्चित से कम है, ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला परिवार भी अगर 5 लाख तक का उसकी ट्रीटमेंट का खर्च होता है तो वो कर सके, ऐसा बड़ा काम देश में करोड़ों परिवार बहनों भाइयों का आशीर्वाद लेने का काम किया था और वो चाल सतत चलता रहता है। ये काम को आगे बढ़ाने के लिए आज भागलपुर में ये वार्ड नंबर 21 में भाई बंटी यादव ने वही काम, नरेंद्र मोदी जी का काम प्रत्येक परिवार तक पहुंचे इसकी कोशिश में आज सबको एकत्रित करके ये काम किया है। तो जैसे शौचालय में, जैसे घर की रसोई में, जैसे घर के घर में, ऐसे ही सारवार में, मानी एक परिवार का सर्वांगी विकास और सर्वांगी जो भी दिक्कतें हैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता मोदी जी ने जो देश के लोगों को दिया है, बंटी यादव ने आगे बढ़ाया है। आज अध्यक्ष जी के साथ हम उस कार्यक्रम में आए हैं। भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस भवन में बुधवार को युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां मौजूद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता बिपिन बिहारी यादव और युवा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विशाल कुमार एवं तमाम कार्यकर्ताओं ने झंडोत्तोलन कर वृक्षारोपण किया। स्थापना दिवस के मौके पर तमाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूती देने के संकल्प के साथ स्थापना दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे मजबूत पार्टी है, उन्होंने कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। तमाम कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती देने में लगे हैं। साथ ही कहा कि उनके नेता राहुल गांधी की वापस दस्ता मिलने पर वे लोग काफी खुश हैं। निश्चित रूप से आगामी चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इस दौरान राजेश रंजन, शाहरुख खान, विकास कुमार सिंह, सुनंदा रक्षित, उषा रानी, अभिषेक चौबे, पिंटू कुमार, सौरभ पारिख, रवि कुमार, साजिद हुसैन, मोहम्मद सरवर आलम, तबरेज खान, सद्दाम हुसैन सहित दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम था? तो युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जंगे आजादी, साझी शहादत, साझी विरासत, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है।
और आज हम अपने समस्त युवा कांग्रेस के सभी भाइयों को बधाई देते हैं उनके स्थापना दिवस के अवसर पर, और आज के जो हमारे अध्यक्ष हैं विशाल जी, उनको शुभकामना है मेरा, और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो पार्टी की विचारधारा को और राहुल गांधी की विचारधारा को नौजवानों को अवगत कराएंगे। आज युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस था, जिस पर हम लोग युवा कांग्रेस का झंडोत्तोलन किया गया, कांग्रेस भवन में वृक्षारोपण किया गया। जब भी पार्टी को किसी भी कार्यक्रम आंदोलन की जरूरत पड़ा, युवा कांग्रेस हमेशा मजबूती से लड़ने के लिए तैयार रही और आगे भी रहेगी।